न्यूज चैनल से लाल मोहम्मद शेख। आज मैं खड़ा हूँ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आज राहुल गांधी जी का जो है, कांग्रेस के राहुल गांधी, उनका सभा है और वो आज अपने कुछ कार्यकर्ताओं को और अपने नेताओं को कुछ यहाँ बताने आए हैं। और आइए हम उनकी जो है बहुत बहुत राहुल गांधी जी से हम कहेंगे कि बॉम्बे में आपका स्वागत है। राहुल गांधी जी, हमारे चैनल के माध्यम से आपको हम बताना चाहते हैं। और देखिए कि आप एक देख सकते हो कि उनको सुनने के लिए लोग किस तरीके से लोग मतलब एक पैगाम भी कहा जाता है जो 2019 का चुनाव का है या राहुल गांधी की सफलता कही जाती है कि आज देख सकते हो कि हर शख्स का एक मतलब दिल के अंदर है कि आप जो 2019 का जो हमारा पीएम हो वो कोई झूठा पीएम ना हो, हमारे राहुल गांधी जाए हमारे राहुल गांधी साहब वो पीएम का दावेदार हो। और इसी वजह से जो है आज आप देख सकते हो कि किस तरीके से लोग उनको सुनने के लिए आए हैं, जो कि एक पब्लिक मतलब एक जो मंडप था जो जिसके अंदर कंपाउंड था वो तो खैर पैक पूरा भर गया और उसके बावजूद भी लाखों पब्लिक बाहर खड़ी है। आइए हम राहुल गांधी साहब अभी देखो संबोधित कर रहे हैं आप लोगों को, आइए हम कुछ उनकी स्पीच सुनाते हैं। मैं आप उनको सुनिए और उनको आप समझिए कि वो लोगों से क्या कहना चाहते हैं और लोगों के पास संदेश क्या कहना चाहते हैं। श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, संजय निरुपम जी, अशोक चौहान जी, राधाकृष्ण पाटिल जी, सुशील कुमार शिंदे जी, पृथ्वीराज चौहान जी, एकनाथ गायकवाड़ जी, मिलिंद द्योरा जी, प्रिया दत्त जी, बाला साहेब थोराट जी, नितिन राउत जी, वर्षा गायकवाड़ जी, पार्टी के हमारे सब सीनियर नेता, कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और सेवा दल के हमारे सब लोग, प्रेस के हमारे मित्रों, भाइयों और बहनों, आप सबको यहां मुंबई में बहुत बहुत स्वागत। और अभी हमें पता लगा है कि विंग कमांडर अभिनंदन जी भी वापस हिंदुस्तान लौटे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और जो हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए और जो हमारे पायलट्स एयरफोर्स के लोग शहीद हुए, उनका आज हम यहां याद करते हैं। एक तरफ बीजेपी नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। वो भैया है, वो तो है, उसके बारे में बोलेंगे। अच्छा ठीक है भैया, एक बार बोल लो, चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। तो एक तरफ बीजेपी नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के चौकीदार और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। ये जो शहर है ये कोई मामूली शहर नहीं है, ये हिंदुस्तान का इंजन है, ये हिंदुस्तान को शक्ति देता है, एक प्रकार से यह हिंदुस्तान का दिल है। मोदी जी ने
2014 में कहा था कि मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यह पूरी दुनिया के सामने दुनिया का सबसे स्मार्ट सिटी यहां है, उसे मुंबई कहते हैं, मगर उसको सही तरीके से पहचानना पड़ेगा, उसकी सच्ची शक्ति को समझना पड़ेगा और उसकी शक्ति को सपोर्ट करना पड़ेगा। जहां भी जाते हैं मोदी जी भाषण करते हैं, लंबे लंबे वायदे, किसानों का कर्जा माफ, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, ₹15 लाख बैंक अकाउंट में मिल गया भैया, 15 लाख। कोई है यहां पे जिसको चौकीदार जी ने ₹15 लाख डाल दिए बैंक अकाउंट में? अच्छा, कुछ दिन पहले बजट, लोकसभा में बजट प्रेजेंट हो रहा था, 15 लाख की बात की थी, बजट प्रेजेंट हो रहा था, उधर पीयूष गोयल जी भाषण दे रहे थे, बीच में बीजेपी के एमपीज ने धड़ाधड़ ताली शुरू कर दी। 5 मिनट मोदी जी की ओर देख के यूं धड़ ताली बजा रहे। मैंने गार्गे जी से पूछा, भैया ये क्या हुआ, ये 5 मिनट ताली क्यों बजाए? ऐतिहासिक काम किया होगा, जबरदस्त काम किया होगा कि इनके सब के सब एमपी अपने प्रधानमंत्री की ओर देखकर 5-7 मिनट ताली बजा रहे। पता लगता है हिंदुस्तान के किसानों को ₹17 दिए हैं दिन के, मतलब एक परिवार को ₹17, एक व्यक्ति को ₹3.5, और उधर धड़ाधड़ तालियां बज रही हैं नरेंद्र मोदी की ओर देखकर, भैया ये ताली नहीं बजाई तो ये मारेगा हमें, ताली नहीं बजाई तो ये मारेगा हमें। वो अनिल अंबानी को ₹45,000 करोड़ बैंक का कर्जा दिया, उसके बाद एचएएल से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर एक व्यक्ति को ₹3,000 करोड़ जेब में डाल दिए और लोकसभा में ₹3.5 देने के लिए ताली बजा रहे हैं। और 5 मिनट ताली, अरे भैया जब आपने उसको ₹35,000 करोड़ दिए तब ताली क्यों नहीं बजाई आपने? तब चुप क्यों थे आप लोग? देश को आपने क्यों नहीं बताया कि हमने इस चोर को ₹30,000 करोड़ दिए? देश को आपने यह क्यों नहीं बताया कि नीरव मोदी को, मेहुल चौकसी को ₹35,000 करोड़ दिए? देश को आपने क्यों नहीं बताया कि विजय माल्या को ₹10,000 करोड़ दिए? देश को क्यों नहीं बताया कि ललित मोदी को ₹1 करोड़ दिए? मगर जब ₹3.5 आप हिंदुस्तान के किसान को, एक व्यक्ति को ₹3.5 दिन का देते हो तो धड़ाधड़ बेवकूफ बनाने के लिए ताली बजाते हो। देखिए सीधी सी बात है, आपको झूठ सुनना है तो आप गलत जगह आए हो। अगर आपको झूठ सुनना है आप चौकीदार की मीटिंग में चले जाइए, वहां जो आपको झूठ सुनना है सुन लो, कोई कमी नहीं है। 15 लाख 20 लाख 50 लाख 2 करोड़ रोजगार, जो सुनना है सुन लो वहां पे, सच्चाई सुनने यहां आओ। मन की बात सुननी है वहां जाओ, काम की बात सुननी है यहां आओ। और मैं आपको काम की बात बताता हूं,
15 लोगों को, 16 को नहीं 15 को देश के चौकीदार ने 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ करके दिया है। अभी 8 लाख करोड़ रुपए और बचे हैं, वो नहीं दे पाए क्योंकि पैसा खत्म हो गया, मगर पिछले 4 साल में 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ किया है। किसका किया? हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का। और मैं मुंबई के छोटे व्यापारियों से, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों से पूछना चाहता हूं, अरे भैया उनका 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ किया, आपका कितना किया? धारावी के जो छोटे 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 बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, उनका नरेंद्र मोदी ने कितना कर्जा माफ किया? किसानों का नहीं किया, ठीक है, हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब में किया, हमारी सरकार बनेगी उनका कर डालेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर मैं मुंबई में पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, इस शहर में लाखों युवाओं ने एजुकेशनल बैंक लोन लिया है, लाखों छोटे छोटे बिजनेसमैन ने बैंक लोन लिया है सपना पूरा करने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए। मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं, उन 15 लोगों ने 3.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सरकार से कर्जा माफ करवाया है, हिंदुस्तान के युवाओं ने क्या गलती की है कि चौकीदार उनका कर्जा माफ नहीं कर सकता है? हिंदुस्तान के छोटे बिजनेसमैन ने, व्यापारियों ने क्या गलती की है कि चौकीदार उनका कर्जा माफ नहीं कर सकता है? ये दो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक अनिल अंबानी वाला, अभी मैं एयरपोर्ट से आया हूं, प्राइवेट हवाई जहाज वाला, उस हिंदुस्तान में 20-25 लोग हैं, नाम जानते हो, अनिल अंबानी, ये मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, 15-20 लोग हैं, कर्जा माफ करवाना है, 2 मिनट में कर्जा माफ हो जाएगा। जमीन चाहिए, जमीन हाजिर हो जाएगी, बिजली चाहिए, बिजली मिल जाएगी, पानी चाहिए, पानी मिल जाएगा। और दूसरे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में किसानों आत्महत्या करो, अपना पैसा बीमा के लिए दो, अनिल अंबानी की कंपनी को दो, और जब आंधी आएगी, तूफान आएगा, नुकसान होगा, उसके पैसे बनेंगे, आप भूखे मर जाओ। आप छोटे दुकानदार हो ना, मैं बताता हूं, 8 बजे रात को नरेंद्र मोदी जी आएंगे, टीवी पर आएंगे, चौकीदार जी कहेंगे, मित्रों मित्रों, वो मेहुल चौकसी को कहेंगे, मेहुल भाई, और आपको कहेंगे, मित्रों काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, अब एक काम करो, हिंदुस्तान के सबसे सब के सब अमीर ईमानदार लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, तैयार हो जाओ, अपने जेब से अपना पैसा निकालो, बैंक के अंदर डालो, आपका समय कीमती नहीं है, लाइन में खड़े हो, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, काला धन मिटाना है, सबको खड़ा कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या अनिल अंबानी खड़ा था लाइन में? देखा आपने उसको? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, अनिल ना, वो लोग पता है कहां थे? वो लोग जब आप लाइन में बैठे थे, वो प्राइवेट हवाई जहाज, वो देखो हवाई जहाज जा रहा है, उसमें प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ रहे थे, बैंक के पीछे वाले दरवाजे से अंदर एसी कमरे में बैठे, आप लोग लाइन के सामने बाहर, उनका काला धन सफेद हो रहा था, चौकीदार ने किया, चौकीदार ने किया।
और जो पैसा आपकी जेब से निकला उस पैसे से नरेंद्र मोदी जी ने 50-60 लोगों का कर्जा माफ किया है। उसके बाद कहते हैं अभी हिंदुस्तान को थोड़ा और बदलना है, अभी बात नहीं बनी, चलो गब्बर सिंह को लाते हैं, गब्बर सिंह टैक्स लाए। अब आप जाइए मुंबई के किसी भी दुकानदार के पास चले जाइए, किसी भी छोटे व्यापारी के पास चले जाइए, उससे पूछिए भैया ये जो गब्बर सिंह टैक्स है, जीएसटी है, इससे किसका फायदा हो रहा है। इस मीटिंग के बाद आप जाना किसी भी दुकान में चले जाना, उससे पूछना भैया एक बात बताओ, राहुल गांधी आया था, उसने हमें कहा जाके दुकानदार से पूछो किसका फायदा हो रहा है। मैं गारंटी करके कह दूंगा आपको, कह रहा हूं आपको, सबके सब दुकानदार, सबके सब छोटे व्यापारी आपको कहेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और हिंदुस्तान के सबसे बड़े 15-20 उद्योगपतियों का फायदा हो रहा है, अमेज़न का फायदा हो रहा है, विदेशी कंपनियों का फायदा हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। और अगर आपको कोई दुकानदार मिल जाए जो आपसे कहे कि हां भैया जीएसटी से हमें फायदा हो रहा है, उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसे मिलना चाहता हूं। यहां पे आपके स्लम तोड़े जाते हैं, बिना पूछे आपको परे कर दिया जाता है। कितने स्क्वायर फुट का मकान मिलता है बताओ, कितने स्क्वायर फुट का मकान मिलता है आपको? तीन सौ स्क्वायर फुट का मिलता है ना, 250? मैं आपको बताता हूं, अच्छी तरह सुनिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मैंने साफ बोला, देखो भैया किसानों का कर्जा माफ 10 दिन में होगा। मैंने कहा कि चौकीदार 15 साल गुजरात में राज किए हैं, 5 साल यहां पर रेसकोर्स रोड में बैठे हैं, शिवराज चौहान जी 15 साल से बैठे हैं, उन्होंने आपका काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी 10 दिन लगेंगे, गिन लेना आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और पता लगा और हिंदुस्तान को पता लगा कि जब कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है 10 दिन की बात करती है तो 2 दिन में करके दिखा देती है। स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी आज आपको 250 स्क्वायर फुट का मकान देती है, आप 10 दिन याद रखो, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी 10 दिन के अंदर 500 हो जाएगा। आप गिनना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, मैं यहां 10 कह रहा हूं, असलियत में 2 होगा। मजाक बना रखा है 15 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, अनिल अंबानी से गले लगते हैं, एचएल से पैसा चोरी करते हैं, अनिल अंबानी की जेब में डालते हैं, चोर है। और देखिए आपने देखा होगा चौकीदार सिर्फ चोर नहीं है, चौकीदार डरपोक भी है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट हाउस में राफेल की बात चली, हमने 4 सवाल पूछे, भैया एचएल से आपने कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिया, अनिल अंबानी ने हवाई जहाज नहीं बनाया उसको क्यों दिया, 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है उसको क्यों दिया। 1.5 घंटा मोदी जी ने भाषण दिया भाई, उसके बाद 1.5 घंटा हमने राफेल पे सवाल पूछे,
कभी नरेंद्र मोदी यूं करें, कभी यूं देखें, कभी यूं देखें, कभी यूं करें, आंख में आंख नहीं मिला पाए। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान की जनता पूरी पूरी टीवी में देख रही थी, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता के आंख में आंख नहीं मिला पाए, क्योंकि चौकीदार यह सच्चाई। यह है चौकीदार जी की सच्चाई। ये जो शहर है, ये भाईचारे का प्रतीक है, ये पूरे हिंदुस्तान को रास्ता दिखाता है। मुंबई में पूरे देश से लोग आते हैं, हर प्रदेश से आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। प्यार से काम होता है, एक साथ मिलकर काम होता है, सब लोग एक साथ खड़े होकर काम करते हैं। बीजेपी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे, संविधान पर डायरेक्ट आक्रमण करते हैं। संविधान आपकी आवाज है, आपने इसको बनाया है, ये आपका है, ये किसी एक संगठन का नहीं है, नरेंद्र मोदी मोहन भागवत का नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता का है। आप मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी जी को, सीबीआई के डायरेक्टर को 1:30 बजे हटाने की क्या जरूरत? खड़गे जी बैठे हैं, 1:30 बजे रात को हटाते हैं। कुछ ही दिन बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है इसे वापस डालो। आप खड़गे जी से पूछिए, आज बात हो रही थी, पता नहीं क्या कारण था, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर के बाद सीबीआई डायरेक्टर को नरेंद्र मोदी ने हटाना ही था। प्लानिंग कमीशन को, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन देश की स्ट्रैटेजी बनाता था, देश को रास्ता दिखाता था, बंद कर दिया। आरबीआई, आर्थिक रीढ़ की हड्डी है, पहली बार डायरेक्टर रिजाइन करता है, कहता मैं जा रहा हूं, बिना किसी से पूछे नोटबंदी कर दी। अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आते हैं, बाहर आते हैं, प्रेस के सामने खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। जज लोहिया का नाम लेते हैं, अमित शाह जी पर केस है। आमतौर से जनता जज के पास जाती है न्याय के लिए, नरेंद्र मोदी चौकीदार के हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज जनता से न्याय मांग रहे हैं। अच्छा, इन लोगों से मेरी एक शिकायत है, प्रेस के हमारे जो मित्र हैं, मुझसे कहते हैं डराया जाता है, इनको धमकाया जाता है, मुझसे हंस के कहते हैं हम लिख नहीं पाते, हम कह नहीं पाते हैं। चौकीदार का कंट्रोल है, और लक्ष्य एक है कि हिंदुस्तान की जो आवाज है, मुंबई की जो आवाज है, वो दब जाए। राज अनिल अंबानी जी करें, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी। अच्छा, अजीब सी बात है,
इन सबके नाम मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, बस इन्हीं का राज चले, बाकी हिंदुस्तान देखता रह जाए। और अगर कोई बात सवाल उठाए उसको कुचल के दबा दो। मैं जाता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, ये सब प्रेस वाले मित्र आते हैं, सवाल पूछते हैं। आपने कभी देश के चौकीदार को प्रेस के सामने देखा है? इनको 15 मिनट दे दो, 15 मिनट दे दो इनको, उनको सामने बैठा दो, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। मैं बता रहा हूं, और मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज देता हूं, भ्रष्टाचार के मामले पे आप आके मेरे साथ बात करो, इनको सामने खड़े कर दो, मेरे से डिबेट कर दो, 2 मिनट मेरे साथ मेरे सामने डिबेट कर दो। हिंदुस्तान से ना भागना भागना पड़ जाए मैं देखूंगा। अरे भैया डरपोक है, खड़ा नहीं हो पाता है। नहीं आ सकता, कैसे आएगा? और जहां जाते हैं एक के बाद एक नई झूठ नई झूठ। तो आप भैया समय आ गया, देखिए संविधान को बचाना है, जो हिंदुस्तान मुंबई की शक्ति है उसका प्रयोग करके हिंदुस्तान को बदलना है। हिंदुस्तान के जो युवा हैं, करोड़ों युवा, 5 साल इन्होंने उनका टाइम जाया किया है। रोजगार देना था, जहां भी आप देखो मेड इन चाइना, माइक के नीचे होगा मेड इन चाइना, ये देखो मेड इन चाइना, मेड इन, ये देखो मेड इन जर्मनी, जहां देखो मेड इन चाइना, मेड इन जर्मनी। मैं चाहता हूं मेड इन धारावी, मेड इन मुंबई, मेड इन महाराष्ट्र। और जो ये पैसा ये अनिल अंबानी 15 लोगों को दे रहा है, वो हम हिंदुस्तान की गरीब जनता को देंगे, आपकी शिक्षा में लगाएंगे, आपको हाउसिंग देने में लगाएंगे, आपके अस्पतालों में लगाएंगे। अच्छा अब आखिरी बात सुनो, अब रात का समय हो गया तो आखिरी बात सुनो। कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक काम करती है, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, मनरेगा, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, तो हमने निर्णय ले लिया है। नरेंद्र मोदी जी 15 लोगों को पैसे देते हैं ना, कांग्रेस पार्टी की सरकार 2019 में जैसे आएगी, वो आएगी, मगर जैसे ही आएगी कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को, चाहे वो शहर में रहता हो, गांव में रहता हो, किसी भी प्रदेश में, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को मिनिमम इनकम गारंटी करके दे देगी। इसका मतलब हर महीने हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, पैसा बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डाल देगी। अगर वो उनको 3.5 लाख करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो हम हिंदुस्तान के धारावी के, मुंबई के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आप बब्बर शहर हो, आप चुनाव जीतने वाले हो,
दिन भर आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो, लाठी खाते हो। आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपको आश्वासन देना चाहता हूं, महाराष्ट्र में सरकार बनेगी, हिंदुस्तान में सरकार बनेगी, वो आपकी सरकार होगी। सरकार के दरवाजे आपके लिए खुले मिलेंगे। जनता की सरकार होगी, किसान की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, छोटे व्यापारियों की सरकार होगी, मगर कांग्रेस कार्यकर्ता की भी सरकार होगी। तो अब जाइए, हर पोलिंग बूथ पे लड़िए, विचारधारा की लड़ाई है, हराना है इनको। और जो भी हमारे साथ चलना चाहता है, यहां गठबंधन हो रहा है, जो भी हमारे साथ चलना चाहता है, कांग्रेस पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले मिलेंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं विंग कमांडर अभिनंदन का हिंदुस्तान में स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। मैं राज मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूंगा, जब तक के लिए नमस्कार।